बच्चों की कामयाबी पर अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश होता है तो उनके पेरेंट्स। जी हाँ, यहाँ पर खेसारी लाल यादव और उनकी बेटी कृति यादव की बात हो रही है। कृति को मिला है उनका पहला अवार्ड। जी हाँ, पहला चाइल्ड डेब्यूटेंट अवार्ड के लिए कृति को इस साल उनकी फिल्म दुल्हन चाही गंगा पार के लिए अवार्ड मिला है। आपको बता दें, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली दफा है जब किसी पिता और पुत्री को एक साथ एक ही मंच पर ये अवार्ड दिया गया है। खेसारी लाल यादव को उनकी फिल्म संघर्ष के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो वहीं उनकी बेटी कृति यादव को बेस्ट डेब्यूटेंट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला, वो भी उनकी फिल्म दुल्हन चाहे गंगा पार के लिए। आपको बता दें कि पहली मर्तबा खेसारी की बेटी कृति किसी फिल्म में उनके साथ नजर आई थी और कृति को एक्टिंग का बहुत शौक है। लेकिन यहाँ आपको ये भी बात बता दें कि कृति एक्टिंग नहीं करेंगी और वो आगे चलकर कलेक्टर बनना चाहती हैं। कृति ने एक इंटरव्यू में खुद खुलासा किया था कि उन्हें एक्टिंग अच्छी लगती है, लेकिन आगे चल के एज ए करियर के रूप में वो एक कलेक्टर बनना चाहती हैं, अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हैं, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हैं। आपको बता दें कि अपने बच्चों को लेकर खेसारी लाल यादव बहुत पजेसिव हैं, खासकर अपनी बेटी के लिए। खेसारी लाल यादव अपनी बेटी कृति को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। उनका मानना है कि जब से उनकी लाइफ में उनकी बेटी कृति आई है, तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी जब वो मुंबई में रहते हैं, शूटिंग करते हैं और घर से सेट के लिए निकलते हैं, तो कृति अगर है तो उसका पैर छू कर निकलते हैं। उनका मानना है कि वो कृति को अपना लकी चार्म मानते हैं, इसलिए वो कहीं बाहर जाते हैं तो कृति का पैर छू कर जाते हैं। वैसे भी अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड खेसारी को मिला है तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आम्रपाली दुबे को मिला है। जी हाँ, उनकी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के लिए, जिसमें उन्होंने मराठी महिला का किरदार निभाया था जो काफी पॉपुलर हुआ, फिर उसके बाद निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के लिए भी शुभी शर्मा को बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड मिला। साथ ही साथ निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और बॉर्डर ने कम से कम 10 अवार्ड जीते हर एक क्षेत्र में। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।